अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और तैयारी ऑलमोस्ट तकरीबन पूरी हो गई है। अभी आपको पीछे से आवाज आ रही होगी, सारा है वो खिलारा पड़ा हुआ है, खिलारा भी बहुत पड़ा हुआ है। मैंने सोचा अपना बैग बनाऊं क्योंकि बस अभी इसके बाद कुछ थोड़ी बहुत चीजें रह जाएंगी। अभी जो है ना, हाँ ये इसको अच्छा टाइट टेप करना है। असल में ऑलिव ऑयल जो है ना वो तो सील है, उसको तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो शैम्पू उसको भी हम करके लेके जाते हैं, लेकिन वो सील हुआ है, वो सील तो नहीं खुल सकती। सील मामा ये नहीं, ये मामा दूसरी डिफरेंट पैकिंग है मामा, पॉलिश की ना हमने चूसनी गिरा ली है। सही होता है हाँ, लेकिन ये ठीक है, बॉटल सही है, अच्छी है। दिखाओ ना ये इधर मुझे, ये पकड़ाओ इसे, ये ना बोतल की पैकिंग ठीक नहीं, ये ठीक है, ये देखे ना यहाँ से भी सील है और अंदर से भी ये सील हो गया। और ये जब आप बोतल खोलोगे तो इसका भी वो ऑयल को नहीं टेप करने के लिए, शैम्पू कंडीशनर्स का। तो शैम्पूज की मैंने ये वाली पैकिंग ली है। आप और... करो ना जो यूज वाले कपड़े हैं ना तुम्हारे, दो चार सौ नीचे रखो, फिर इसे उसके ऊपर ये सारी लाइन लगाओ इनकी। हयाम फातिमा के नए कपड़े ना मैंने अपने और अस्मा के रखने हैं कपड़े, या कुछ हयाम के रखने हैं, हयाम के, लेकिन नए हयाम के तो मैंने रखे हुए। तभी मैंने कहा दिखाऊंगी, कल हम लोगों ने जो शॉपिंग की थी ना प्राइमार्क से, वो ये फ्रॉक से ऑलमोस्ट तकरीबन 98% जो है ना स्कीना के और हयाम के कपड़े सेम थे। इस टाइप के निकर्स वगैरह ली है, लेकिन अम्मी ये मैंने ऐसे नहीं लेके जानी, ये आप थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे, यहाँ पर बड़ी लूज आनी है। नहीं ना ये बंद होता है ना ये, लेकिन फिर भी लूज है, उसको वो वीक है ज्यादा, इसको ज्यादा टाइट करके टाइट करो ना, तो जितना मर्जी टाइट ना करो ऐसा लगता है इकट्ठा होगा। चलो बारह ये भी ठीक है। उसके बाद जो है ना झमकट्टा ही बहुत पड़ गए। अच्छा ये शर्ट मैंने ली है शयान के लिए, और ये वाली ली है जी अजगान के लिए, और यहाँ पे ये है जी हयाम फातिमा की। हयाम फातिमा की अम्मी ने ना 12-13 सूट का ले दिए थे, क्योंकि यहाँ के आप देखते हैं कितने प्यारे फंकी कलर्स हैं, फंकी प्रिंट्स हैं। और जैसे कि अब ये हयाम का जो है फ्रॉक है, अभी ना अभी इस बैग के लिए ये भी हयाम के निक्कर है, और ये भी हयाम की शर्ट है, और जी ये मैंने मुनकसम की शर्ट ली है। अच्छा ये हुसैन की है, ये हमारी तरफ गलती से आ गए, अभी हम हुसैन की कबर्ड में रख दें। ये आप अभी वापस उधर रखे सोफे पे, क्या ये? हाँ जी हुसैन का, हुसैन के मामले को ही हुसैन है। अच्छा तो वो अंदर ना ना चली जाए। और ये हयाम फातिमा के ना नाइट सूट्स लिए थे दो, ये अब यहाँ से पता चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली एसी वगैरह चलना है, तो अभी वहाँ जो है ना काफी बहुत प्यारे नाइट सूट प्रिंट्स, बहुत ही प्यारे हैं। स्कीना और इसका सेम है प्रिंट भी, सेम प्रिंट है, सेम साइज का ही फर्क है, लेकिन प्रिंट हमने सेम ही लिए हैं, फुल प्यारे कलर यहाँ, क्योंकि ठंड ठंड रहती है। और ये मुझे कल गिफ्ट मिले थे बेटा, गोलियां खोल ना देना तुम चीनी डिज्नी की। वैसे मैंने देखा डिज्नी की ज्वेलरी अच्छी है, प्राइमार्क की इतनी अच्छी नहीं है, डिज्नी की बहुत अच्छी है, कैरेफोर की अच्छी है, न्यूयॉर्कर की अच्छी है, डिज्नी के मुझे ब्रेसलेट्स कल तीनों गिफ्ट मिले। ये मैं सोच रही हूँ रास्ते में पहन के जाऊंगी। परफ्यूम कितने इसमें रखू, तो तुमने परफ्यूम लेने ये भी बहुत ज्यादा, तुम जितने भी फिलहाल है इसी में रखो। तुम ऐसे करो 12 इसमें रख लो, 6 लेडीज और 6 तो बाकी उसमें इसमें रख लो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करके रखो, डिवाइड कर 12 अगर यहाँ रखो तो मेरे उसके लिए ज्यादा बन जाने परफ्यूम्स मेरे बहुत ज्यादा है। अच्छा सच ये भी मैंने एक शर्ट रखी थी, अभी अजगान के लिए मैंने ऑप्शन लेनी है, क्योंकि इसमें से एक फिर हुसैन लेगा, एक अजगान के लिए लेके जाऊंगी। अच्छा कितना प्यारे मैंने दोनों सूट दे दिए, कितना खूबसूरत प्रिंट है। हाँ ये मैंने लिया है हुरब के लिए, ये भी बड़ा क्यूट है, ये हम लोगों ने लिया था लेफ्टिस से। तुमने सारों की चीजें पहले दिखा दी? नहीं मैंने एक बच्चों के दिखा रही हूँ, बड़ों के लिए अभी मैंने बताना किसके लिए क्या लिया। और अच्छा जी ये मुझे नैना ने सूट गिफ्ट किए हैं, क्योंकि नैना को यहाँ गिफ्ट मिले थे, और फिर नैना ने मुझे कहा कि आप ये आप ले लो, मैंने कहा अच्छा बेटा मुझे दो, क्योंकि मैंने वीडियोस भी बनानी होती हैं तो मैं ले जाती हूँ। तो ये इसका ये प्रिंट है यार, मामा बहुत प्यारे कपड़े हैं। हाँ तो खुद अब दिए अपनी मैंने वापस, वो कलर भी बहुत तुमने लिए या बेसिकली दिए नहीं लेके आई हूँ, अंदर से लेके आई थी तो मामा इसने कब्जा कर लिया, मैंने लिए, मैंने इसे गुस्से में कहा था कि खुदी तुम सिलवा लेना, फिर उसने कहा चलो ठीक है इस बात का, मैं अब तुम्हारे सिलवा के ना आऊंगी, तो मैंने कहा तुम खुद सिलवा लेना, फिर कहती चलो ठीक है पक्की होगी। अच्छा जी एक नैना ने मुझे ये दिया, वैसे फ्लोरल प्रिंट इतना चलो अच्छा ही हुआ इसने मुझे। अच्छा ये और है ब्रोशिया टाइप का कुछ, नहीं एम्ब्रॉयडरी हुई है।
बरल जी बहुत सामान है माशाल्लाह, बहुत सामान है। अभी वहां पे जो है ना, अभी ये देखें ये पैकिंग, इसमें अब तीन इसके अंदर परफ्यूम है, दो बोरे पांच, ये बहुत अच्छी पैकिंग है, इसकी खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी है। और इसके अंदर और भी चीजें हैं, मेरा लिक्विड हो जाना है ज्यादा। और ये जो है ना, ये भी देखें जी, कोमल ने सही पैक कर दी है, टेप्स लगा के अल्लाह इनका भला करे ये लीक ना ही हो। ये कंडीशनर तुम्हारे अभी, ये और ये भी लाने हैं, ये पैकिंग इतनी बड़ी बड़ी है कि किसी को दे ना, तो अगर छोटी फैमिली हो तो छह महीने निकल जाएंगे, बड़ी हो तो फिर तीन निकले। और यहाँ ये मैं आपको दिखाती हूँ बैग, ये चप्पल भी मैंने गिफ्ट देनी है ना, ये वाला मेरा जरा दिखाओ बैग। यहाँ पे मैंने जितना मेकअप खरीदा था ना, ऑयल सारा मेरा यहीं रख दूंगा। अब आप लोगों ने ना मेरी हेल्प करनी है चीजें एडजस्ट करने में। बाकी भी ऑयल की बॉटल्स ले आओ, वो बाकी वो जो वो टैबलेट्स भी थी शुगर फ्री, शुगर फ्री वाले। यहाँ पे मैंने सारा पकड़ाई हूँ, यहाँ डब्बी ना, यहाँ पे ना मैंने सारा जो है ना, यहाँ ऑयल यहाँ रखती हूँ जी, मेकअप ये सब चीजें, ये चीजें इसमें से, ये वाली सब चीजें, और मेरी नाइट क्रीम्स आ गई सारी, परफ्यूम्स आ गए, ग्लॉस आ गए, किट्स वगैरह आ गई, और मेरी ज्वेलरी का बॉक्स मैंने वहां रखा है, यहाँ बहुत छिड़ती है। अच्छा जी, अभी हम बैग को करते हैं पैक, और किस हिसाब से सारी एडजस्टमेंट होती है ना वापस से शरीर कर, ऐसे खोलती रहूंगी सारा प्यारा प्यारा। नहीं आप मेरी हेल्प करेंगी, मैं इसीलिए अब एक दफा कैमरा बंद करने लगी। क्रीम्स यहाँ पे पड़ी आप, क्योंकि आपको तो तजर्बा ज्यादा है कितना लिक्विड इस एक के अंदर आए, और किस तुम 10 लीटर इसके अंदर लिक्विड रख लो ना, 10 तुम्हारे अगले में। ऑयल का मुझे डर नहीं है, मुझे ये ना शैम्पूज वगैरह थोड़ा सा कर रहे हैं, डब नहीं होगा वैसे ना, कोई इसमें बाकी कैसे जो था ना बैग वगैरह प्लास्टिक बैग शॉपर में डाल के रख लो, ये खोल के ना ये बैग खाली करते हैं, इसमें उल्टे करके रख के बांध के रख लेते हैं। चलो तुम करो, मैं बांध लाओ, तुम वीडियो बंद करो और आओ हेल्प करो थोड़ा सा। नहीं तुम्हारी एक अच्छी बनाती वीडियो, इसलिए तबीयत इतनी मेरी खराब है। अभी सामान मैं और लाई हूँ, ये मैंने जफर के लिए लिया पानी की बोतल, ली अपनी थी लेकिन फिर यूज नहीं की, मैंने कहा चलो जफर के लिए ले जाऊंगी। शुक्र करो तुम्हें मैंने दे दिया उसके लिए। यहाँ कुछ मल्टीवाइटमिन आ गए जी, उसके टैग्स टैग्स उतारो उतारो, प्राइस किसी चीज में ना लगे। एक ये मेकअप किट आ गई बड़ी क्यूट सी, इसके भी कोमल प्राइस उतारो, प्राइस इन सब पे लगी हुई। और ये आज हम कोमल और मैं लेके आए, ये आ गई बास्केट, ये बच्चों की प्रोडक्ट्स यहाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बच्चों को बड़ी अच्छी है। अच्छा हमने भी एक लाना है लोशन, मुझे याद आ गया, इस पे भी है। उतारो यार सारे उतारो, आप लोगों ने क्यों नहीं उतार के दिए यार, आए हैं तो बच्चों के कलर बड़े फेयर हो जाते हैं। हाँ कलर बहुत अच्छे, ये स्टेशनरी सेट एक तुमने कहा, तुम लोगों ने कहा था तो हाँ, ये स्टेशनरी सेट है, इसमें रेजर पेंसिल ये भी बड़ी प्यारी है। अभी सब पे टैग्स लगे हुए हैं, ये मेरी टीम जो है ना वो लाइक है। अच्छा ये हो रहा है कुछ अभी, अच्छा चले जी सामान काफी आ गया। अभी ये वाली जो सारी साइड है ना, अच्छा ये ली है शुगर पेशेंट्स के लिए है जी, स्कीना के दादा दादी की है, और ये ना हनी ने शुगर फ्री भेजी है उनके लिए, शुगर फ्री जो है ना, यानी कि इसके अंदर 650 है। हाँ ठीक है, जबरदस्त पैकिंग है, ये चार पैकिंग बहुत अच्छी पैकिंग है। अच्छा जी अभी इस साइड पर सामान हमने पैक कर दिया, हम दुआ करो लेके मैं सीधा ही चली जाऊ। और अभी यहाँ ना इन दो कपड़ों में ना मैंने अपनी साड़ी ना, वो बहुत बुरे तरीके से तुमने अपना मेकअप लपेटा है, जो शॉपर बाहर निकला हुआ था मेरा दिल है। अच्छा ये भी मुझे नैना ने दी थी, नैना ने तुम्हें इसमें और भी दी हुई है, अच्छी है नैना, लेकिन तुमने रेट नहीं उतारा, जान के 5000 का रेट लगाया हुआ, मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा फिर तुम ऐसा करो ना, तुम इसको करो पैक। हाँ तुमने बहुत बुरा था, इसमें ना ऑयल रखोगी ना। हाँ जी इसमें साइड में, चले जी अभी मैंने सोचा सारी चीजें आपको दिखा दूं, और बॉटल भी अच्छी, लेकिन ना ये शीशे की है। अब इन सब चीजों को हम पैक करके पूरा बैग पैक करके आपको दिखा देना उस बेचारी पे। अभी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग ना यहाँ पे भी देखें, इसकी जिप पूरी बंद कर ली, लेकिन जिप नहीं बंद करेंगे। ये वाला माशाल्लाह जो है ना मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, ये देखें मैं बॉक्स ही रखने लगी, क्योंकि मैंने गिफ्ट देने हैं ना ये सारे, फिर मुझे वहां सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा। और अभी ये मेरा परफ्यूम था, ये मैंने अपना लेके जाना था, लेकिन अब सोच रही हूँ कि ना कोई छोटी पैकिंग ले जाऊं, इतना बड़ा अपना ना लेके जाऊं, फिर ना ज्यादा जो है वो यहाँ ये लोग नैना को मतलब यूज करेंगी। अभी ये और मैंने ये नया यहाँ से लिया था बैग, ये मैं रखूंगी अपना, एक मैंने लेना है नैना, मैं वो ले सकती हूँ ना,
हयाम के लिए मैंने बैग पैक बैग पैक लेके जाना था उसके, तो बस सिर्फ एक बैग पैक बैग भी लेके जाना ना पासपोर्ट बैग पैक बस, उसके अलावा हाथ में ना कुछ रखना। ये मैंने नया लिया है, ये जी मेरा क्रॉस बैग, इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या पैसे सब चीजें रखेंगे। बैग पैक जो है जो पाकिस्तान से लाई थी मैंने वही वापस ले जाना है, और ये क्यों बाहर आ गया, ज्वेलरी ऐसे ही रख लेनी है ये सारी, और बस दरमियान में करके रख लो, दरमियान में रखते। ऑलमोस्ट मेरी सारी पैकिंग डन हो गई है, ठीक है। और अभी ये एक असल में मेरे शैम्पूज इससे ज्यादा, और मेरे परफ्यूम्स 13-14 और सब चीजें जो है ना वो नेक्स्ट बैग के लिए पड़े, क्योंकि हयाम का भी मैं लगेज ले जा सकती हूँ, उसकी टिकट में है। तो बहरहाल जी अभी ऑलमोस्ट तैयारी बस 2-3 दिन है अभी, तो तैयारी कंप्लीट इंशाल्लाह होती रहेगी। इसके जी पूरी बात अभी नहीं बंद करनी है, रखना है। तो चले जी सामान हमारा पैक हो गया, पाकिस्तान की तैयारी ऑलमोस्ट डन है, चीजें आई हुई या कुछ अब लेंगे हम लोग। जाओ जाओ तुम जाओ, ये बड़े नाराज हो रहे हैं, पर एक दफा जो है ना कोई बात नहीं, जेलस भी हो रही है, ये जेलस भी हो रही है। मैं तो डम्मन जो तो वैसे 2.5 साल हो गए पाकिस्तान के, मैं तो सीना की वजह से गई जा नहीं सकती, ये जेलस भी हो रहे हैं, और अभी 20 साल जाना भी नहीं चाह रहे, और गर्मी से चालू भी हो रहा है, हमने गर्मी में नहीं जाना, सब सर्दियों में तैयार है, कोई छोटी ईद के लिए फैमिली पूरी तैयार है। मुझे आप ही 8वां साल है, मैं इतनी गर्मी में नहीं पाकिस्तान, ये अपनी वजह से ही जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ भी क्या होता है, हम भी यहाँ जरा यहाँ मौसम अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी गर्मी बंदा भुगत लेता है। चलें जी तैयारी हमारी हो गई ऑलमोस्ट डन, ये बस कुछ चीजें रखेंगे, और बच्चों को सुलाया हुआ था तो पैकिंग किया, वरना हयाम कुछ नहीं यहाँ से अंदर रखने देती। तो अभी स्कीना भी पीछे से अपनी मामा को बुला रही है, तो आपको मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। या किस कॉर्नर में रख, इसमें ना हाँ।